गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जस्ट उठे हैं और हम पैकिंग भी कर रहे हैं और खाना हमारा पक रहा है और बाहर बहुत 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 ज़्यादा ठंड है, तो हम लोग अभी आग सेक रहे हैं। ये आपने कैसे किया भाई? फर्स्ट पे डाला है और आग में रख दिया, मतलब हो गया, रेडी है ये। मैं दिखाता हूँ। आपने कहाँ से सीखा है ये खुद? मेरे खाना ये हाइजीनिक होगा क्या? ये देखिए, टेस्ट करो थोड़ा। तो अभी हम लोग रेस्ट कैंप से निकला हुआ, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं। रास्ता इतना कीचड़ है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पाँव रखना है। भाई मैं कैसे जाऊँ? पैदल चलते वक्त रास्ते में हर जगह पानी मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको पीना वही पानी है जो फ्लो हो रहा है, या तो वो पानी जहाँ से यहाँ के जो रहने वाले जो लोकल से जहाँ से वो लोग पीते हैं वही पानी पीना है, वरना आप बीमार हो सकते हो इस पानी की वजह से। कीचड़ इतना ज़्यादा है, समझ ही नहीं आ रहा पाँव कहाँ रखना है। मम्मी गिर गया तो डायरेक्ट नीचे। लिटरली ये मिट्टी हमें खींच रहा है, जिसकी वजह से हमें थकान, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस टूर के लिए, लेकिन लिटरली अब लग रहा है मुझे सजा से कम नहीं है ये। अभी मैं सोचती हूँ जैसे मियाओ का जो SBI बैंक है वहाँ से लोग वहीं से
फिर अपना सामान लगेज लेकर विजयनगर तक पहुँचते थे। ये बहुत 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 बड़ी बात है। तो वो लोग 7 डेज में पहुँचते थे, मोर देन 7 डेज लगता था। फिर रास्ता थोड़ा अच्छा बना तो वो लोग 5 दिन में, फिर 4 डेज लगने लगा, फिर अब 3 डेज, अब 2 डेज में भी लोग घर पहुँच जाते क्योंकि आधा तक तो अभी गाड़ी आ जाती है, आधा से खुद चल के जाना होता है। तो 2 डेज में घर पहुँच जाते हैं, लेकिन हम लोग को अभी पता नहीं हम लोग कितना डेज पे पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम लोग ब्रेड खा रहे हैं और स्वीट लिया था अश्मी ने, ना उसका नाम अश्मी है। तो थैंक यू सो मच अश्मी। तो यहाँ पे ये बहन है, क्लास 10 का स्टूडेंट है, अभी एग्जाम दे के आए मियो से। तो ये रास्ता से चलकर भी गए थे और वापस भी इसी रास्ते से आ रहे। तो आपको कैसा लगा? और आपको ना मतलब ये चलते जैसे विजयनगर में आप जाते हो रोज, टूटा हुआ ब्रिज है ना, बड़ा बड़ा नदी में डर लगता है ना, कभी आपको रिग्रेट हुआ कि मैं क्यों विजयनगर में बैठा है? नहीं हुआ? गंदा लग चुका है, अंदर में पूरा पानी हो गया है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, पुराने लोगों से सुना था कि रास्ता चलना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, और अभी मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रही हूँ, मैं इसको फील कर पा रही हूँ, क्योंकि लिटरली ये रास्ता इतना ख़राब है, समझ पे पाँव रखने, इतने बड़े बड़े खुदाई और रखे, इतने बड़े गड्ढे गड्ढे कर रखे हैं, अगर गिर जाएंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। और मुझे चल कर मैं इतनी थक चुकी हूँ, अब 5 मिनट भी पानी पीने के लिए कहीं रुक जाओ ना, फिर तो ना जो आगे चल रहा है उसको पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है ना, मिलता ही नहीं वो रास्ते में, इतना स्पीड से मतलब छूट जाता है, यहाँ पर इतना प्रॉब्लम होता है। मैगी हम लोग खा चुके हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो बाद में आने वाला नेक्स्ट टीम ने अभी उनके लिए खाना पका रहे थे, जो भी स्नैक्स पकाएंगे। हम लोग का टीम का हो चुका है, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो हम लोग अभी गांधीगिरम पहुंच चुके हैं, और अभी हम लोग और स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि अब रात होने को है, और हम लोग का पांव सब कीचड़ है कीचड़ है, तो घर जैसे भी आज ही पहुंचना चाहते हैं, इससे जल्दी चल रहे हैं।